नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी रसोई में। आज मैं रोज की सब्जी में डलने वाली मसालों के साथ आलू मटर की बहुत ही मज़ेदार सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ मैंने इस सब्जी के लिए आधा केजी आलू लिया है और इसे मैंने छीलकर अच्छे से साफ़ कर लिया और इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में काटा है। इससे ये सब्जी देखने में थोड़ा यूनिक लगेगी। साथ ही एक टमाटर और एक कटोरी मटर जिसे मैंने छील के रखा हुआ है, दो मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, दो हरी मिर्च, आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 10 से 12 लहसुन की कलियां। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर कढ़ाई चढ़ा के हम उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसे एक मिनट के लिए भूनेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज का कच्चापन निकल जाए उतना ही भूनेंगे। फिर इसमें लहसुन और मिर्च डालकर इसे भी कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे। जब लहसुन और प्याज का कच्चापन निकल जाए तो गैस के फ्लेम को लो करेंगे और कद्दूकस किया हुआ अदरक और टमाटर डालकर टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। दो मिनट तक भुनने के बाद टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम थोड़ा तेल डालेंगे और कटे हुए आलू के टुकड़ों को डालकर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इस बीच में हम लहसुन और प्याज जिसे हमने भून के रखा था उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। आलू जो है अच्छे से भून चुका है और ये हल्का सा गोल्डन हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम थोड़ा तेल और डालेंगे। तेल के गर्म होते ही चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा के चटकते ही हमने जो लहसुन प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे डालकर कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने पहले भी थोड़ा डाला था तो यहाँ पर आप देख के डालिएगा अपने टेस्ट के अनुसार। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे मसाले, जीरा, गोल मिर्च, धनिया और लाल मिर्च का मिक्स मसाला है ये। एक चम्मच मसाला डालकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। जब मसाले से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझिए मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ आधा टमाटर और मटर डालकर कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। जिस पॉट में मैंने प्याज को पीसा था उस पॉट में पानी डालकर थोड़ा पानी वो और एक कटोरी सादा पानी डालकर फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम कवर को हटाते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आएगा सब्जी में। सब्जी को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अच्छे से पका है या नहीं। एक आलू का टुकड़ा उठाएंगे और एक फोक की सहायता से इसे हम देख लेंगे तो सब्जी हमारा अच्छे से पक गया है। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। फिर कवर करके आधे मिनट के लिए फुल फ्लेम पर रखेंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के लिए हम सब्जी को ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद जब कवर हटाते हैं तो देखिए सब्जी कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ग्रेवी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। इतना अच्छा कलर आया है सब्जी में, सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए।